हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट के बारे में। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है अभी रोज़ प्लांट के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये गुलाब के फूल। और अभी ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये फूलों से भर चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप भी अपने रोज़ प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ केयरिंग टिप्स के बारे में रोज़ प्लांट के लिए। और आज का जो वीडियो है इसी पर बेस्ट है, किस तरह से हम रोज़ प्लांट की केयर करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर इससे मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो केयरिंग टिप्स जिससे कि हम अपने रोज़ प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर रोज़ प्लांट की केयरिंग टिप्स की बात करें तो सबसे पहला जो इसके लिए टिप है वो यही है कि आप अपने रोज़ प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिल जाए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है तो उसका असर इसकी फ्लावरिंग पर होगा और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। इवन ये भी हो सकता है कि फ्लावरिंग ही ना करे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आप अपने प्लांट को ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिल जाए। अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी रोज़ की और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। अगर हम बात करें दूसरे टिप के बारे में तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये जो रोज़ का प्लांट है इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपको नई नई बर्ड्स दिख जाएगी। यहाँ पर आप बर्ड्स देख सकते हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़ प्लांट पर भी ऐसी ही अच्छी फ्लावरिंग हो तो इसके लिए जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको इसकी प्रूनिंग करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये सूख चुका है। तो अगर आप इस फ्लावर को यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई फ्लावर सूख जाता है तो आपको उसे, जैसे मैंने यहाँ पर हटाया है, आपको उसे यहाँ से रिमूव करना है। आप प्रूनर की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं या फिर सीजर की हेल्प से भी इसको अलग कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर कोई सूखा हुआ फ्लावर रह जाता है तो पूरी की पूरी स्टेम को वो ख़त्म कर देता है, डेड कर देता है। और फिर इस टाइप की जो स्टेम होती है वहाँ पर, जहाँ पर भी कोई डेड फ्लावर है, सूखा फ्लावर है, तो फिर वहाँ पर नई जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, जो फ्लावर सूख जाते हैं उन्हें कट करना है, स्टेम से अलग कर देना है ताकि यहाँ पर नई लीव्स आ जाएँ और नए बर्ड्स आ जाएँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोज़ है यहाँ पर आपको हर जगह पर नई नई बर्ड्स दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नई बर्ड्स दिखेंगी। आप देख सकते हैं हर जगह पर नई नई कलियाँ खिल रही हैं। तो इसमें मैंने यही किया था, इसकी प्रूनिंग की थी और जितने भी मैंने जो ड्राई फ्लावर्स थे उनको निकाल दिया, ड्राई लीव्स को निकाल दिया। तो उसका सीधा सीधा असर आप इसकी ग्रोथ पर देख सकते हैं, कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। साथ में फ्लावरिंग के लिए आप देख सकते हैं कितने सारे बर्ड्स इसमें आ चुके हैं। तो अगर आपको ज़्यादा बर्ड्स मिलेंगे तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो आपको जो सेकेंड स्टेप यूज़ करना है वो यही करना है कि जैसे ही फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है, फूल जब कुछ इस तरीके से सूख जाते हैं, तो आपको इनको स्टेम से बिल्कुल ही रिमूव कर देना है। बिल्कुल इस तरीके से आप इनको निकाल दीजिए ताकि यहाँ पर नई बर्ड्स आएँ और ये वापस से जो प्लांट है, जो स्टेम है, ये बहुत ही अच्छी हो जाए, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। जैसे ही आप रिमूव करेंगे डेड फ्लावर को, इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नई लीव्स इसको मिल जाएगी और नई बर्ड्स भी आ जाएगी। तो ये तो बात हुई सेकेंड टिप के बारे में। अगर हम थर्ड टिप की बात करें तो वो है वाटरिंग। फ्रेंड्स, वाटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है रोज़ प्लांट के लिए। देखिए, पानी डालने का तरीका तो इस तरीके से रखें कि आप कभी भी इसके सॉइल को ड्राई ना होने दें, क्योंकि जैसे ही ड्राई सॉइल होगा ये जो प्लांट होता है रोज़ का, इसकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं, लटक जाता है पूरा का पूरा पौधा। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन ना आने दें कि ये जो पत्तियाँ हैं मुरझा जाए या पौधा लटक जाए। आप इस पर रेगुलर वाटरिंग करें, इसे, इसका जो सॉइल है उसे हमेशा मॉइस्ट रखें, कभी भी ड्राई ना होने दें।
और ऐसे सिचुएशन कभी ना आए कि इसका जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो सीधी सीधी उसका असर इसकी ग्रोथ पर पड़ेगा। ये जो सारी लीव्स आपको दिख रही हैं अभी इतनी फ्रेश, ये अगर पानी ना दिया जाए प्रॉपर तरीके से तो ये मुरझा जाएंगी और फिर इसमें नई बड्स भी नहीं आएंगी और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो वाटरिंग का इसका थोड़ा ध्यान रखें, प्रूनिंग, वाटरिंग और सनलाइट, ये तीन चीज़ें इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी फ्लावरिंग के लिए रोज़ प्लांट पर। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मैंने आपको आज 3 टिप्स बताए हैं, रोज़ प्लांट की प्रॉपर प्रूनिंग, प्रॉपर सनलाइट और वाटरिंग, अगर आप इन 3 टिप्स का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो रोज़ प्लांट है उस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और आप बिना किसी फर्टिलाइज़र की हेल्प के भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग रोज़ प्लांट से ले पाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर प्लांट के ऊपर, यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये 3 टिप्स का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे फ्लावर हैं यहाँ पर, आपको हर ब्रांच पर बर्ड्स दिखेंगी, फ्लावर्स दिखेंगे। तो बिना किसी फर्टिलाइज़र के भी आप रोज़ प्लांट से बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग दे सकते हैं। तो ये थी वो 3 टिप्स, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।